लेक्चरर को, रेगुलाइज करो, रेगुलाइज करो प्लस टू कंट्रैक्चुअल लेक्चरर को, रेगुलाइज करो, रेगुलाइज करो प्लस टू कंट्रैक्चुअल लेक्चरर को, रेगुलाइज करो, रेगुलाइज करो गवर्नमेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ स्टेट गवर्नमेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ स्टेट गवर्नमेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ प्लस टू कंट्रैक्चुअल लेक्चर को रेगुलाइज करो, रेगुलाइज करो, रेगुलाइज करो, रेगुलाइज करो जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट। क्या कहना चाहेंगे आज फिर से आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए मैं आपके माध्यम से ये एक बार दोबारा बताना चाहता हूँ कि 14th फरवरी 2017 से हमारी एजिटेशन यहाँ पे स्टार्ट हुई थी अपनी रेगुलराइजेशन की डिमांड को लेके, और टिल डेट हमारा मसला जो है वैसा का वैसा ही है। हमारी मीटिंग जो है काफ़ी बार जो है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हुई, गवर्नमेंट के साथ हुई, जितने भी मंत्री थे सबके साथ हुई, जितने ब्यूरोक्रेट्स थे सबके साथ हुई, बट नथिंग हैज़ बीन डन टिल डेट इन आवर फेवर। अभी लास्ट वीक हमारी मीटिंग जो है ऑनरेबल एडवाइज़र टू लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं श्री के शर्मा जी, उनके साथ हुई थी, और उन्होंने उसी दिन एक कमेटी जो है कॉन्स्टिट्यूट की है हमारे केस को एग्जामिन करने के लिए, उसमें कुछ कमेटी मेंबर्स रखे गए हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये बता दूं कि हमारी डिमांड जो है काफ़ी देर से, जहाँ 14th फरवरी को हम बैठे थे, लेकिन उससे पहले भी हमारी डिमांड जो है काफ़ी हमने इसको हाईलाइट किया, लेकिन कुछ कारणों से हमारी डिमांड जो है रह गई, या कुछ नेग्लिजेंसी थी गवर्नमेंट की या ब्यूरोक्रेट्स की, तो इसके बारे में हमें अभी तक पता नहीं चला है। तो मैं आपके माध्यम से ये दोबारा बताना चाहता हूँ कि जितने भी कमेटी मेंबर्स हैं वो सारे पॉजिटिव हैं, मैं उनसे ये अपील करूँगा आपके माध्यम से कि पॉजिटिव रिपोर्ट सबमिट करें। 10 जनवरी तक उन्होंने टाइम दिया है कमेटी को रिपोर्ट सबमिट करने का, और होपफुली मुझे लगता है कि वो पॉजिटिव रिपोर्ट ही सबमिट करेंगे, स्पेशली हमारे जो सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन मैम हैं, मैं उनसे ये अपील करूँगा कि वो हमारे केस में इंटरवीन करें। मुझे लगता है उनको हमारे केस के बारे में इतना शायद नहीं पता हो, हमने उनके पास अपॉइंटमेंट के लिए भी अप्लाई किया है, अप्रोच कर रहे हैं, शायद हमारी मीटिंग उनके साथ हो जाएगी। तो मैं एक बार और आपको बता दूं कि ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री अमित शाह जी ने जम्मू कश्मीर के जितने भी पेंडिंग इशूज़ हैं उनके रिगार्डिंग मीटिंग की है 16, 17 और 18, 19 को, आज शायद मीटिंग का लास्ट डे है। तो मैं उनसे भी अपील करूंगा कि वो हमारे केस में पर्सनली इंटरवीन करें, क्योंकि हमारी डिमांड जो है लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है, और भी कई सारे इश्यूज हैं जम्मू कश्मीर में जो सबको पता है, तो वो उनको मद्देनज़र रखते हुए हमारे इस केस में इंटरवीन करें, और हमारी इस जेन्युइन डिमांड को जो रेगुलराइजेशन की डिमांड है इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए, ताकि हम लोग जो है इस एजिटेशन को ख़त्म करें और अपने अपने स्कूल ज्वाइन करें। सर आज 1039 दिन हो गए आप लोगों को यहाँ पे अपनी डिमांड्स को लेकर यहाँ पे साइलेंट प्रोटेस्ट पे आप बैठे हैं, धरने पे बैठे हैं। पहले भी हमारे जो गवर्नर साहब थे सत्यपाल मलिक जी, उनके द्वारा भी आपको आश्वासन दिलाया गया, अब फिर से जो हमारे नए गवर्नर आए हैं जी सी मुर्मू जी, इनसे क्या उम्मीद वाबस्ता रखते हैं कि आने वाले समय में या थोड़े ही टाइम में आपकी जो डिमांड्स हैं उनको पूरा करेंगे, ताकि आप अपने अपने घरों पे वापस जाएं और अपनी ड्यूटी दें? देखिए हमारी मीटिंग जो है ऑनरेबल एक्स गवर्नर थे श्री सत्यपाल मलिक जी, उनके पास हमने अपना केस जो है रिप्रेजेंट किया, 2-3 बार उनसे हमारी मीटिंग्स हुई हैं, तो उन्होंने हमारे केस को जेन्युइन ठहराया, उन्होंने कहा कि बेटा आपका केस जो है क्वाइट जेन्युइन है, ये विद इन डेज जो है रिजॉल्व हो जाएगा। कुछ जम्मू कश्मीर के हालात जो है ऐसे बन गए कि जो है डिमांड हमारी मतलब रह गई, कुछ वर्स्ट कंडीशन थी जे एंड के की, काफ़ी सारे इश्यूज़ थे वो सबको पता है, तो बीच में यूनियन टेरिटरी यहाँ पे बन गई, लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पे आ गए, उनके पास भी हमने अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई किया हुआ है। आपकी अगर जेन्युइन डिमांड है तो इतना समय क्यों लग रहा है उस डिमांड को? बस इसी बात का हमें ये पता नहीं चल रहा है कि डिले कहाँ पर हो रहा है, क्यों हमारा केस जो है मतलब फाइल हमारी पीछे रह जाती है, जबकि सभी कहते हैं कि आपका केस जो है क्वाइट जेन्युइन है। तो बार बार हम उनको अपने जो भी ऑर्डर्स वो हमें मतलब मांगते हैं हमसे, हम टाइमली उनको प्रोवाइड करते हैं, जबकि उन्होंने ही एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ही ऑर्डर्स इशू किए गए हैं, तो वो ऑर्डर्स को मेरे ख्याल से उनको स्टडी करना चाहिए, क्योंकि ये एक मतलब कोई ऐसा नॉर्मल इशू तो है नहीं, उनको फाइल को स्टडी करना चाहिए और इस इशू को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि ये क्वाइट जेन्युइन है। डिविजनल कमिश्नर ऑफ जम्मू ने भी हमारे केस को एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करके अपने ऑफिस में एग्जामिन किया है, उन्होंने भी हमारे केस को जो है जेन्युइन ठहराया, और उन्होंने सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन को ये एड्रेस किया है कि इनकी डिमांड जो है बिल्कुल जेन्युइन है, इसका जो इसको जो है रिजॉल्व करना चाहिए विद इन नो टाइम, इनको इसको रिजॉल्व कर दो, ताकि ये लोग जो है ये एजिटेशन को ख़त्म कर दें।